हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है, अब यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में कुछ इसी तरह से फ्लिपकार्ट को सर्च कर देना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है फ्लिपकार्ट। जैसे आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ फ्लिपकार्ट वाला यहाँ पर ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब डायरेक्ट इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको होम स्क्रीन कुछ इस तरह से दिख जाएगा फ्लिपकार्ट का। अब यहाँ पे ऊपर में आप यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सर्च बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो है ये सर्च बॉक्स आ गया है। अब इस सर्च बॉक्स में आप यहाँ पे इस माइक से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे इस कैमरा से भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप कोई फोटो को खींच कर भी इसे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने वॉच लिख दिया है, अगर आप कोई भी और प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि मोबाइल यहाँ पे मैं लिखूँ तो यहाँ पे मोबाइल आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे ढेर सारा मोबाइल, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल आ गया है। अब जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं वॉच को बाय करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं वॉच लिख दूँगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसे ही आप WA यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने खुद सजेस्ट कर दिया है हमें डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी ये रिजल्ट दिखा देगा, जैसे कि वॉचेज फॉर मेन दिख गया है, तो हम यहाँ पे इस पर सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा वॉच दिख गया है। अब मान लीजिए कि कोई सा एक वॉच आपको पसंद आ गया है, जैसे कि यहाँ पे ये स्क्रीन पे एड वाला वॉच आ गया है, तो यहाँ पे आपको वो भी वॉच खरीदना है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, जो एसोर्ड बाय फ्लिपकार्ट लिखा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये एसोर्ड बाय फ्लिपकार्ट यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस वाला ही आपको बाय करना चाहिए, प्लस वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे इसमें भी प्लस लगा हुआ है एसोर्ड बाय, जैसे ही एसोर्ड यहाँ पे लिखा गया है फ्लिपकार्ट एसोर्ड, तो वो प्रोडक्ट अच्छा ही रहता है, तो वही प्रोडक्ट आपको बाय करना है। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक किया, अब मैं इसे बाय करूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे बाय नाउ बटन पे भी क्लिक करके मैं बाय कर सकता हूँ, या फिर एड टू कार्ट कर लेते हैं। एड टू कार्ट करेंगे तो ये हमारा कार्ट में जमा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एड टू कार्ट बटन पर क्लिक किया तो ये हमारा एड टू कार्ट में जमा हो गया। मैंने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि मान लीजिए कि मैं और भी प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ। अब एक घड़ी को मैंने बाय किया, अब एक मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पैंट लिख देता हूँ, कैजुअल शूज़ मान लीजिए हमें ख़रीदना है, चप्पल खरीदना है, कोई भी और पर्स उर्स बेल्ट वेल्ट खरीदना है, तो उसे भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बेल्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट फॉर मेन आ गया है। यहाँ पे आप कलर को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी कलर का आप लेना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मरून कलर का बेल्ट लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बेल्ट और मरून यहाँ पे लिख दिया है। अब डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे, मरून बेल्ट फॉर मेन यहाँ पे आ गया है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितना भी रिजल्ट दिखाएगा सभी मरून कलर का बेल्ट ही दिखाएगा। अब इसमें से जो भी आपको पसंद आए आप स्क्रॉल करके उसे ढूंढ सकते हैं, जो भी पसंद आए आपको उसे आप जो है बाय कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अभी ढूंढ लेता हूँ, A few moments later, तो मुझे ये वाला बेल्ट पसंद आ गया है। ऊपर में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस फ्लिपकार्ट एसोर्ड लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार एड टू कार्ट कर लेते हैं। एड टू कार्ट करेंगे तो हमारा जो है ये एड टू कार्ट में जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे बेल्ट का साइज पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका जो है पैंट का साइज है, जींस पैंट जितना में पहनते हैं आप, कोई भी पैंट सिलवाते हैं तो कितना साइज उसका कमर का रहता है, उस हिसाब से यहाँ पे इस साइज को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है 28, 30, 32, 38, यहाँ पे जो है 34, 36 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे नहीं बाय करूँगा, हम इसे बैक कर लेते हैं, क्योंकि हमें 34 का चाहिए। तो हम एक बार चेक करेंगे कि 34 वाला है या नहीं। A few moments later, यहाँ पे मैं इसको एक बार चेक करके देखता हूँ कि यहाँ पे इस पर साइज अवेलेबल है या नहीं 34 का, तो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है, यहाँ पे कलर भी चूज कर सकते हैं, दूसरा कलर अगर आप लेना चाहते हैं तो दूसरा यहाँ पे ब्राउन कलर है ये जो है, इसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा मरून है, और तीसरा जो है ब्लैक है। तो यहाँ पे साइज 34 अवेलेबल है, तो मैंने 34 को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे एड टू कार्ड बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब जितने भी प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सभी एड टू कार्ड में जमा हो गया है। अब एड टू कार्ड को आप कहीं भी देख सकते हैं, 4-5 दिन के बाद भी देख सकते हैं, 1 महीने के बाद भी देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, इसके लिए बैक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नीचे में
होम बटन दिख जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे तो कार्ट बटन आपको दिख जाएगा। तो सिंपली इस कार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपने एड टू कार्ट किया था सभी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर में बेल्ट दिख रहा है, उसके बाद घड़ी दिख रहा है, उसके बाद फिर से एक घड़ी ही दिख रहा है। तो मान लीजिए कि दो घड़ी है तो मैं एक को रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसे रिमूव भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको एक रिमूव बटन दिख जाएगा, सभी प्रोडक्ट के नीचे में रिमूव बटन भी दिख जाएगा, सेव फॉर लेटर और बाय दिस नाउ भी दिख जाएगा। हम यहाँ पर रिमूव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये घड़ी जो है रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे बेल्ट और रिस्ट वॉच बच गया है और टेबल वॉच यहाँ पे दिख रहा होगा, एक शर्ट दिख रहा होगा, एक पैंट दिख रहा होगा। अब तीनों का दाम अगर देखें तो यहाँ पे जो है आपको दाम भी दिख जाएगा 1921 रुपया। यहाँ वीडियो डिटेल्स में जाएंगे आप तो यहाँ पे कितना का बचत किया है, कितना का बाय करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अब इसमें से आपको और भी कुछ छांटना है तो उसे भी आप छांट सकते हैं। मान लीजिए मैं इस बेल्ट को छांट लेता हूँ तो ये भी मैंने छांट दिया इसको, और इस घड़ी को भी छांटना चाहता हूँ तो इसे भी मैं छांट सकता हूँ। A few moments later. तो मैंने कुल मिलाकर सभी को छांट दिया है। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बच गया है। अब सिंपली यहाँ पे प्लेस ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे 2223 रुपया यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इतना में ही आपको बाय करना है। यहाँ पे सभी का दाम आपको दिख जाएगा, कौन कितना दाम का है सब दाम आपको उसी के सामने दिख जाएगा। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर बटन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है। A few moments later. फिर से एक OTP भेजा जाएगा आपके मोबाइल फोन नंबर पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक फैच कर लिया था OTP को, अब आपका काम जो है यहाँ पे आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक हमारा जो है एड्रेस भी ले लिया है ऑलरेडी। हमें अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पे इस चेंज बटन पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहली बार बाय करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस लिखा रहेगा, एड लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका एड्रेस दे देना है, और 2 मोबाइल नंबर भी देना है आपको। मैंने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन दिया गया है, वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है, क्रेडिट कार्ड दिया गया है, कैश ऑन डिलीवरी भी दिया गया है। आप चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर बटन पे क्लिक करूँगा हमारा जो है ये बाय हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया है। अब कंफर्म ऑर्डर बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा रीडायरेक्टिंग हो जाएगा और हमारा ऑर्डर जो है कंफर्म हो जाएगा। अब एक मैसेज भी आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे आ गया है, हमने जो है इसे बाय कर लिया है। A few moments later. तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे आपको एक कॉल भेजा जाएगा फ्लिपकार्ट के तरफ से। अब उसमें आपको कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा, तो कंफर्म आपको कर देना है। अब हम देखते हैं कि आपका ऑर्डर कैसे दिखेगा, अब आप कैसे उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे होम बटन आपको दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, नोटिफिकेशन और अकाउंट बटन भी आपको दिख जाएगा। तो अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको माय ऑर्डर्स वाला एक आपको जो है फिल्टर दिख जाएगा, सबसे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा ऑर्डर्स। इस ऑर्डर बटन पे आपको क्लिक कर देना है तो माय ऑर्डर आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं माय ऑर्डर्स यहाँ पे खुल गया है। अब जितने भी आपने ऑर्डर्स दिए हैं, जितने भी आपने बाय किए हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप इसे रेटिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें हमने इस तीनों को आज ही जो है बाय किया है, तो इसका हम डिटेल्स देखना चाहें तो इस पर हम क्लिक करेंगे इस एरो बटन पर, तो हमारा ऑर्डर डिटेल्स दिख जाएगा। ऑर्डर अभी कन्फर्म हुआ है, यहाँ पर देखेंगे इसमें भी हमारा ऑर्डर अभी कन्फर्म ही हुआ है। अभी जो है शिफ्ट भी होगा, आउट ऑफ फॉर डिलीवरी होगा, जो कब तक यहाँ पे पहुँचेगा, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, डे टू डे भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर भी करें, ताकि उसे भी अगर कोई भी प्रोडक्ट बाय करना हो तो उसे दिक्कत ना आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।